अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल ग्रुप। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है ससमें रमजान एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि हम पीएससी और जेएससी के हवाले से तैयारी कर रहे हैं और मैं आपके साथ सिंटेक्स बुक बोर्ड के जनरल साइंस के एमसीक्यू शेयर करता हूँ। और अभी तक मैं आपके साथ क्लास फोर के तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यू शेयर कर चुका हूँ और क्लास फाइव के चैप्टर नंबर फाइव तक के एमसीक्यू शेयर कर चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर सिक्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर सिक्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिंटेक्स बुक बोर्ड साइंस एम सी क्यूज क्लास फाइव चैप्टर सिक्स फोर्स एंड मशीन, ताकत और मशीन। एम सी क्यूज नंबर वन, अ फोर्स दैट स्टॉप्स थिंग्स फ्रॉम मूविंग इजीली इज कॉल्ड। ऐसी ताकत जो जलती हुई चीज़ों को आसानी से रोके उसको कहा जाता है। अड़ी ताकत जेका चुरपुर कंदड़ शयन के आसानी से रोके उनके चयन वो है। ऑप्शंस नंबर ए मोशन, ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी फोर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। तो ये हमारे चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शन। अ फोर्स दैट स्टॉप्स थिंग्स फ्रॉम मूविंग इजीली इज कॉल्ड फ्रिक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर टू, फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोजिस। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा किसी चीज़ को रोकने का सबब बनता है। फ्रिक्शन एक अड़ो फोर्स है जो हमेशा कहीं शय के रोकण में मदद कर या रोकण जो सबब बन जो है। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए मोशन, ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी फोर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस। तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोशन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोजिस मोशन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर थ्री, फ्रिक्शन फोर्सेस आर लार्जर ऑन। फ्रिक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किस पे? फ्रिक्शन फोर्स जो कैन वे घना थी ना चाहते। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए वेट फोर्सेस, ऑप्शन नंबर बी ड्राई सरफेसेस, ऑप्शन नंबर सी स्मूथ सरफेसेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी रफ सरफेसेस। तो हैं हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रफ सरफेसेस। फ्रिक्शन फोर्सेस आर लार्जर ऑन रफ सरफेसेस। एमसीक्यू नंबर फोर, फ्रिक्शन फोर्सेस आर सिमिलर ऑन। फ्रिक्शन फोर्सेस जो छोटे होते हैं या कम होते हैं कहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्सेस जगह घट थी ना छाते। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए स्मूथ सरफेसेस, ऑप्शन नंबर बी वेट सरफेसेस, ऑप्शन नंबर सी रफ सरफेसेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्राई सरफेसेस। तो है हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्मूथ सरफेसेस। फ्रिक्शन फोर्सेस आर सिमिलर ऑन स्मूथ सरफेसेस। एमसीक्यू नंबर फाइव, फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन द एयर एंड मूविंग ऑब्जेक्ट काज। फ्रिक्शन फोर्स जो किसी हवा और चलते हुए ऑब्जेक्ट के बीच में हो किसका सबब बनता है? फ्रिक्शन फोर्स जो हमेशा के हैं हलंदड़ से हवा जो बीच में हो जाए तो वो छाजो सबब बन जाता है। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए फोर्स, ऑप्शन नंबर बी एयर रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटी। तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन द एयर एंड मूविंग ऑब्जेक्ट काज रेजिस्टेंस। एमसीक्यू नंबर सिक्स, फोर्स दैट अपोजिस एनी ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द एयर इज कॉल्ड। ऐसा फोर्स जो हमेशा किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोके एयर के जरिए तो उसको क्या कहा जाता है? एड़ो ऑब्जेक्ट जो हमेशा के हैं हलंदड़ एड़ो फोर्स जो हमेशा के हैं हलंदड़ ऑब्जेक्ट के रोके हवा के जरिए तो उनके छाछ विंदो आए। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए फोर्स, ऑप्शन नंबर बी एयर रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटी। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एयर रेजिस्टेंस। फोर्स दैट अपोजिस एनी ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द एयर इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। एमसीक्यू नंबर सेवन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। ऐसा फोर्स जो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन पैदा करे कशिश पैदा करे उसको कहा जाता है। एड़ो फोर्स जो कि बिन ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन पैदा करे तो उनके चय विंदो आए। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए फोर्स, ऑप्शन नंबर बी एयर रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर
सी रेजिस्टेंस या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटी। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटी। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज। मैटर की क्वांटिटी ऑब्जेक्ट में होती है, मैटर जी जो क्वांटिटी आए वो ऑब्जेक्ट में थी आए। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए मोशन, ऑप्शन नंबर बी मास, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी या फिर ऑप्शन नंबर डी फोर्स। ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इन एन ऑब्जेक्ट इज मास। एमसीक्यू नंबर 9, मास इज मेजर्ड इन। मास नापा जाता है किसमें, मास मापे बिंदु है छ में। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए ग्राम्स, ऑप्शन नंबर बी डेकाग्राम्स, ऑप्शन नंबर सी हेक्टोग्राम्स या फिर ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम्स। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम्स। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स। एमसीक्यू नंबर 10, वेट इज द पुल ऑफ। वजन किस चीज, वजन को उठाना किस चीज का सबब बनता है, वजन के कारण छाजो सबब बन जो है या वजन के कारण छाजो रीजन हों है। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए मोशन, ऑप्शन नंबर बी मास, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी या फिर ऑप्शन नंबर डी फोर्स। ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी। वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी। एमसीक्यू नंबर 11, वेट इज मेजर इन। वजन नापा जाता है किसमें, वजन मापे बिंदु है छा में। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम्स, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन्स, ऑप्शन नंबर सी फलग्राम या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्राम्स। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन्स। वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। एमसीक्यू नंबर 12, अ लेवर इज अ लॉन्ग बार विच मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड। लेवर एक लंबी पट्टी है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट पे घूमती है, तो उसको क्या कहा जाता है। लेवर एकड़ी वाली बार है, एकड़ी वाली पट्टी है जगह के हैं फिक्स पॉइंट पे घूम दिया है तो उनके छाछे भी दो आए। ऑप्शंस फलक्रम, ऑप्शन नंबर बी वेज, ऑप्शन नंबर सी वर्नियर स्केल या फिर ऑप्शन नंबर डी ननाफाबो। ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फलक्रम। अ लेवर इज अ लॉन्ग बार विच मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फलक्रम। एमसीक्यू नंबर 13, लेवर इज अ काइंड ऑफ। लेवर किस चीज का किस्म है, लेवर छाजो किस्म आए। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए टूल, ऑप्शन नंबर बी डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी फलक्रम या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंपल मशीन। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंपल मशीन। लेवर इज अ काइंड ऑफ सिंपल मशीन। एमसीक्यू नंबर 14, हाउ मेनी काइंड ऑफ लेवर आर देयर। लेवर की कितनी किस्में हैं, लेवर जा केतरा किस्म आहिन। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए 1 फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर, ऑप्शन नंबर बी 2 फर्स्ट एंड सेकंड काइंड ऑफ लेवर, ऑप्शन नंबर सी 3 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड काइंड ऑफ लेवर या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ काइंड ऑफ लेवर। ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड काइंड ऑफ लेवर। एमसीक्यू नंबर 15, इन फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर फलक्रम इज बिटवीन। लेवर की पहली किस्म में फलक्रम किसके बीच में होता है, लेवर जे पहली किस्म में फलक्रम के बीच में होता है। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए लोड एंड फलक्रम, ऑप्शन नंबर बी एफर्ट एंड फलक्रम, ऑप्शन नंबर सी एफर्ट एंड लोड या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एफर्ट एंड लोड। एमसीक्यू नंबर 16, इन सेकंड काइंड ऑफ लेवर लोड इज बिटवीन। लेवर की सेकंड किस्म में लोड किसके बीच में होता है, लेवर जे बी किस्म में लोड छाजे बीच में होता है। ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए लोड एंड फलक्रम, ऑप्शन नंबर बी एफर्ट एंड फलक्रम, ऑप्शन नंबर सी एफर्ट एंड लोड या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एफर्ट एंड फलक्रम।
एमसीक्यूज नंबर 17 इन थर्ड काइंड ऑफ लेवर एफर्ट इज बिटवीन। लेवर के तीसरी किस्म में एफर्ट किसके बीच में होता है? लेवर जिटरिंग किस्म में एफर्ट छाजे बीच में होता है। ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए लोड एंड फल्क्रम, ऑप्शन नंबर बी एफर्ट एंड फल्क्रम, ऑप्शन नंबर सी एफर्ट एंड लोड, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबो। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोड एंड फल्क्रम। इन थर्ड काइंड ऑफ लेवर एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। एमसीक्यू नंबर 18, अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन विद टू स्लेंटिंग साइड्स एंडिंग इन अ शार्प एजेस इज कॉल्ड। सिंपल टाइप की ऐसी मशीन जो दो मुड़ी हुई साइड्स पे ख़त्म हो और जिसमें तेज धार हो, उसको क्या कहा जाता है? सिंपल टाइप की मशीन जैमें ब मुड़ियल देखूँ एंडिंग पॉइंट्स हो जन जैके के हैं तेज तिखी कुंड तिखी कुंड का खत्म चंद उनके छजा भी दो है। ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए एज, ऑप्शन नंबर बी वेज, ऑप्शन नंबर सी टूल, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिवाइस। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेज, अ टाइप ऑफ मशीन विद टू स्लंटिंग साइड्स एंडिंग इन अ शार्प एज इज कॉल्ड वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपके पास हमारी मजीद वीडियोस आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।